अम्मी खाना दे दे, बहुत भूख लग रही है। और चैंप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक। यार हमने आपकी जल्दी शादी कर देनी है। कर लेंगे शादी भी। शादी भी कर ही देंगे तुम्हारे भाई की, पहले ये कोई काम धंधा तो करे। बस कर दे अम्मी, सोच ही रहा हूँ ना कुछ करूं, बस नहीं मुझे अब कहीं जॉब मिलती है। करूंगा या वेला तो बैठूंगा नहीं, पता नहीं किस जमाने में करोगे। यार अली मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ है? यार मेरी ग्रेजुएशन भी हो गई है, घर वाले कह रहे हैं तुम्हारी शादी करनी है और मेरा करियर बिल्ड नहीं है। थिएटर भी किया है यार, कोई खास फायदा नहीं हुआ। कोई मॉडलिंग एजेंसी है नजर में तो मुझे बताओ यार। मॉडलिंग एजेंसी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ एक मेकअप आर्टिस्ट है जिसके काफी सारे लिंक्स हैं शोबिज में, मैं तुम्हें उसका नंबर दे सकता हूँ। तो भाई देना नंबर यार। ना ना ना, इतनी जल्दी नहीं बेटा, पहले मुझे स्टफ चिकन खिला। अच्छा भुक्कड़ खा लेना, चल चल। जी आशा सलोन बंद है, आप कौन? हैदर, हैदर हियर। ओह तो आप हैदर हैं, दिल से मेरी बात हुई थी, राइट? जी। ओह जी हाँ, ये पाकिस्तान फेमस मेकअप आर्टिस्ट, आप प्लीज बैठे। जी वो मैंने आपके बारे में सुना। अभी खामोश। ये क्या कह रहे हैं आप? लगता है अभी कच्ची गली है। जी जिस दुनिया में तुम कदम रखने लगे हो वहां यही सब कुछ करना पड़ता है। तुम भी मुझे खुश करो, मैं तुम्हें आगे प्रमोट कर दूंगा। ये जितने भी मॉडल्स हैं यही सब कुछ करके आगे निकले हैं, तुम भी मुझे खुश करो। पीस तो बड़ा हॉट है, ये कन्फर्म वापस आएगा। अजीब परेशानी है यार, कसम से समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अम्मी कह रही हैं कुछ करता नहीं हूँ और मुझे मॉडलिंग करनी है, लेकिन उसके लिए मुझे गलत तरीका अपनाना पड़ेगा। अब कुछ करना भी तो है ना, करियर भी बिल्ड करना है, क्या करूँ? कर लेता हूँ जो जी खान कहता है, बस एक दफ़ा मॉडल बन गया ना फिर उसके बाद कभी नहीं ऐसा करूँगा। अल्लाह मियाँ प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। सारे मैंने तैयार किए, तो मानते नहीं मेरी बात को। ठीक है देन। तो फिर मंजूर है? खाने भी ऑर्डर कर लो, जो तुम्हारा दिल करे कर लो ऑर्डर। चलो ठीक है। बात सुनो,
वो मॉडल हैदर शेख लग रहा है ना? वही है, वही है ना? आओ इसके साथ सेल्फी लेते हैं, जल्दी आओ। एक्सक्यूज मी सर, जी आप मॉडल हैदर शेख है ना? जी सर, आई एम योर बिगेस्ट फैन, आई वांट सेल्फी विद यू। श्योर, थैंक यू। सर एक प्लीज। थैंक यू सर। हैदर कैसा है? हाँ अली, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? यार अब तो तुम बड़े लोग हो गए हो यार, मिलते ही नहीं हो, कोई टाइम निकालो थोड़ा हमारे लिए भी। नहीं नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, मिलते हैं जल्दी। हाँ तो फिर कोई प्लान बनाओ ना मिलने का, और अगर मिलना है तो बताओ फिर क्या खिलाओगे? जहर। माशाल्लाह मेरे बेटे ने बहुत कवर से मैं बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है। नहीं मम्मी, बस आपकी दुआओं का असर। अल्लाह पाक तुम्हें और कामयाब करे, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। आमीन। अच्छा मैं भी आता हूं। ओके मेरे बच्चा, अल्लाह तुम्हें अपने ज़मान में रखे। हाँ हाँ मैं 10 मिनट में लोकेशन पे पहुँच रहा हूँ। हाँ चलो ठीक है, आ रहा हूँ मैं। ड्राइवर गाड़ी तेज चलाओ। क्या तकलीफ है तुम्हें? तकलीफ तो कोई नहीं, अब ये बताओ कब आ रहे हो हमारे पास? बकवास बंद करो अपनी। बकवास तो तुम्हारी अब हम बंद करवाएंगे। अगर तुम हमें खुश करने ना आए जब जब हमने तुम्हें बुलाया, तो तुम्हारी रास लीला वाली वीडियो सोशल मीडिया पर लीक कर देंगे, फिर करते रहना मॉडलिंग। तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? अच्छा तो भूल भी गए हो, लेकिन मैं अपनी बेइज्जती नहीं भूला। तो आप ये मॉडल्स का शूट वगैरह करवाते हैं? छोटी बात।
ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे नहीं करना तुम जैसे दो टके के डायरेक्टर्स के साथ काम। अब इसके पुजारी तुम जैसे लोगों की वैसे हमारी इंडस्ट्री पर दाम है। साला चढ़ी ची तुझे नहीं अब छोड़ूंगा। मैं ही क्यों इस जुल्म का निशाना बना? ऐ मेरे खुदा, मैं ही क्यों? मैंने ऐसा फहाशी काम कोई भी अपनी मर्जी से नहीं किया। मैं तो इज्जत से काम करना चाहता था। एक बार करके मैंने तौबा कर ली थी। अब मेरा दुनिया के सामने तमाशा बनेगा। कैसे जीऊंगा मैं? कैसे सामना करूंगा इस दुनिया का? अल्लाह डायरेक्टर का खाना खराब हो। जिंदगी तमाशा बनी, दुनिया दहासा बनी, कितने भी ना प्यार मिले ते बिना प्यार मिले जिंदगी तमाशा बड़ी दुनिया दहासा बड़ी। मेरे अल्लाह मेरे परवरदिगार, मैं बहुत गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दे। अल्लाह मैं बदनामी नहीं बर्दाश्त कर सकता, इसलिए मेरा इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। मैं जानता हूँ खुदकुशी हराम है, लेकिन मेरे पास जीने की वजह नहीं। बदनामी से मेरी माँ लोगों में अपना मुंह नहीं उठा सकती कि मेरे अल्लाह मेरे परवरदिगार, मुझे माफ कर देना मेरे अल्लाह। Thank you.